दोस्तों बहुत से हमारे भाई लोगों को नॉल कार्ड रिचार्ज करने में काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि हर बस स्टॉप पे नॉल कार्ड रिचार्ज करने की सुविधा नहीं होती है। तो आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप घर बैठे आप अपना नॉल कार्ड रिचार्ज कर सकते हैं। दोस्तों हमसे जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाला बटन जरूर दबाएं ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको मिले। इसके लिए आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में अपने ब्राउज़र में जाना है। वहाँ पे आपको टाइप करना है RTA, फिर सर्च कर देना है। RTA की वेबसाइट ओपन होके आ जाएगी, आपको उसको ओपन करना है। फिर इसको इंग्लिश पे क्लिक करना है। इंग्लिश पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दे रहा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, आपको उस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक नीचे नॉल कार्ड का ऑप्शन ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप अपना नॉल कार्ड का बैलेंस भी चेक कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे तो आप अपना नॉल कार्ड का नंबर यहाँ पे डालेंगे, देन सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी बैलेंस है आपका बता देगा। जैसे मैं आपको चेक करके बता देता हूँ कि कैसे ये चेक होगा। फिर हम सर्च पे क्लिक करेंगे, नंबर डालने के बाद आपका जो भी बैलेंस होगा आपके नॉल कार्ड में वो यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद हम इसको ऑनलाइन कैसे रिचार्ज करेंगे, तो यहाँ पे एक नीचे ऑप्शन दिया गया है टॉप अप नॉल कार्ड, आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपना नॉल कार्ड का नंबर डालना है। फिर यहाँ पे क्लिक कर देना है आई एम नॉट अ रोबोट। देन यहाँ पे आप मिनिमम यहाँ पे 30 दिरहम का रिचार्ज कर सकते हैं और मैक्सिमम आपको 150 दिरहम का ऑप्शन मिलेगा। देन अमाउंट सेलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन है, आप रीड करना चाहें तो रीड कर सकते हैं। टर्म एंड कंडीशन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म का एक ऑप्शन दिया रहेगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बैंक की डिटेल देनी है, आपके पास डेबिट कार्ड है तो यूज कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड है तो भी यूज कर सकते हैं। देन यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर देना है। देन आपको पे पे क्लिक कर देना है। पे पे क्लिक करने के बाद आपके नंबर पे OTP आएगा, OTP डालने के बाद आपका जो रिचार्ज है वो हो जाएगा। तो दोस्तों अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। अगर आपका कोई भी सुझाव है तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।